दोस्तों सवेरे से सोशल मीडिया पे एक न्यूज वायरल चल रही है कि गुल्लू दादा हैदराबादी फिल्म इंडस्ट्री छोड़ चुके हैं और ये न्यूज बिल्कुल सही है। आज मैं ही पोस्ट किया था ये कि मैं हैदराबादी इंडस्ट्री छोड़ रहा हूं और ये जो गुल्लू दादा का कैरेक्टर है वो करना बंद कर रहा हूं। आज ही करने की वजह यह है कि आज 16 नवम्बर है और 16 नवम्बर 2006 मेरा सिलेक्शन हुआ था गुल्लू दादा कैरेक्टर के लिए। आज ही के दिन आर के मामा ने सिलेक्ट किया था। उसके बाद एफएम पिक्चर बनते बनते एक साल लग गया और इत्तेफाक और कोइंसिडेंस देखिए कि एफएम रिलीज हुई 16 नवंबर 2007। तो आज भी 16 नवंबर है यानी कि 16 नवंबर को गुल्लू दादा पैदा हुआ था तो 16 नवंबर को वापिस उसको डब्बे में डाल के बंद कर दे रहा हूं मैं और मैं अब जो है हैदराबादी इंडस्ट्री को खुदाफिस कर चुका हूं। और इसकी वजह आप लोग जरूर जानना चाहेंगे तो मैं आपको वजह भी बताता हूं। दोस्तों मेरी स्टेपनी जो पिक्चर थी लास्ट वो बहुत बड़ी हिट पिक्चर थी, बहुत चली पिक्चर। उसके बाद जितनी भी फिल्में गई आती गई प्रोड्यूसर को लॉस होते गया होते गया होते गया। तो मैं ये सोचा कि मेरे काम की वजह से किसी को नुकसान हो रहा तो मैं वो काम करूं क्यों। मेरे को आज भी प्रोड्यूसर्स आज भी कल ही एक आए थे मेरे पास दो प्रोड्यूसर, मैं उनको ये समझा के भेजा दिया वापिस। तो मैं ये सोचता हूं कि जिस मेरी वजह से अगर किसी को नुकसान हो रहा तो वो काम मेरे को अब नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं अब खुदाफिस कर चुका हूं, हैदराबादी फिल्में बंद कर चुका हूं। तेलुगु फीचर कर रहा हूं मैं और एक तेलुगु फीचर भी कर रहा हूं। और रहा फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पे तो मैं हमेशा एक्टिव रहता हूं, आप लोगों से बातें होते रहेंगी, इंटरटेनमेंट तो चलते रहेगा। और जाते जाते एक बात मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा कि आप सबकी मोहब्बत आप सबका प्यार दुलार मेरी माँ मेरी बहने मेरे भाइयों का इतना मिला मेरे को गुल्लू दादा को कि वो नाम से मैं बिरयानी का होटल खोल लिया, रेस्टोरेंट चला रहा हूं आज। आप लोगों की मोहब्बत आप लोगों की दुआओं से हुआ ये सब। तो अब मैं चाहूंगा फुल कंसंट्रेशन जो मेरे बिजनेस पे करूं, इसलिए मैं ये छोड़ रहा हूं। तो अब दिल से थोड़ा तकलीफ भी हो रही है लेकिन बोलते ना कि हर एक चीज एक दिन खत्म होना ही है, तो इसको जो है आज इसका दिन था गुल्लू दादा कैरेक्टर का जो आज खत्म हो चुका है। तो लिहाजा आप सभी से दुआ की गुजारिश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप जैसा प्यार हमेशा मेरे को देते आए हैं देते रहेंगे। थैंक यू, खुदा हाफिज, शुक्रिया।